सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान उभर जाता है। बोलकर नहीं करके दिखाओ दोस्तों, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज्यादा पसंद करते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। आज का पंचांग 25 दिसंबर 2023 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 5:46 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 9:39 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:28 से 9:48 तक रहेगा। अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 25 दिसंबर 2023 दिन सोमवार, किसी भी काम को तुरंत तैयार होकर शुरू करने से पहले गंभीरता से तर्क की कसौटी पर परख कर लेना ही ठीक होगा। आपके लिए कल्पनात्मक सा समय है, इसीलिए रोमांस का आनंद लें। रोमांस में कल्पना लाने से आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आप ऑफिस में भी यही करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। प्रभावशाली निर्णयों पर ध्यान देने की जरूरत है। आज बिक्री या खरीद की भी संभावना है। अगर किसी रिश्ते में नहीं है तो अभी शादी के योग है। किसी दुर्घटना के कारण आप किसी आर्थिक झटके का सामना कर सकते हैं। अपने रोजाना की दिनचर्या में मेहनत करना जारी रखें। आपके प्रयासों को देखा जा रहा है और उनकी सराहना की जा रही है। गपशप से बची, खासकर उन लोगों से और उनके बारे में जो आपके पक्ष में नहीं है। उन जगहों पर शांति स्थापित करें जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है, मतलब घर पर उनके साथ जिन्हें आप प्रेम करती हैं। आप इस समय हर मुद्दे के फायदे और नुकसान के बारे में सोचेंगी और इसके बाद ही निर्णय लेंगी। अभी अनिश्चितता की संभावना है क्योंकि आपका दृष्टिकोण सबसे अलग है। आप लोगों से बातचीत करने के इच्छुक है क्योंकि दूसरों के साथ बातचीत से आपके विचार स्पष्ट हो सकते हैं। अपने साथी या दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए भी यह चरण अच्छा है। दूसरों को सलाह लेने के लिए आपके शब्दों की शक्ति का प्रयोग करें। इस समय खुद को यह याद दिलाए कि अकेला व्यक्ति खेल जीत सकता है, लेकिन टीम वर्क और बुद्धिमत्ता से चैंपियनशिप जीती जा सकती है। आज आप खुद को रोजाना के अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे न दबाएं, थोड़ा आराम करें और आज के कामों को कल तक के लिए टाल दें। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। आपके मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। अगर अपने लव पार्टनर को अपना जीवन साथी मानना चाहते हैं तो उनसे आज बात कर सकते हैं। हालांकि बात करने से पहले आपको उनके मनोभावों को जान लेना चाहिए। आपका चुंबकीय और जिंदा दिली व्यक्तित्व आपको सबके आकर्षण का केंद्र बना देगा। आप अपने जीवन साथी के प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। घर पर आज आपके अच्छे गुणों की चर्चा हो सकती है। आज दिन भर अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कार्यों को व्यवस्थित करने में ही व्यतीत हो जाएगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर भी व्यस्त रहेगी। आपकी दूरभाषी और अच्छे स्वभाव की वजह से लोग आपका सम्मान करेंगे। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। आपकी कोई समस्या खत्म होने से पहले अत्यंत कठिन बनेगी। योजना के अनुसार बात आगे बढ़ाना आपके लिए संभव हो सकता है। काम और व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। मन की शांति बनी रहने से बड़ी समस्या का हल ढूंढना आपके लिए आसान होगा। कला से जुड़े लोगों को दिन की शुरुआत में चिंता सताएगी। काम करने की वजह से विश्वास भी बढ़ेगा। आप पार्टनर के द्वारा सुझाई बातों में बदलाव करने की कोशिश करेंगे। सावधानियां, युवा वर्ग करियर संबंधित चुनाव को बहुत ही सावधानी से करें। जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में अनैतिक कार्यों के प्रति प्रवृत्ति
बन सकती है, जिसकी वजह से वह मुसीबत में भी फंस जाएंगी। इसीलिए नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताएं। दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ स्पेशल करने की योजना नहीं भी बनाते, तब भी आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर इसे स्पेशल बना लेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दों को भी एक तरफ रखकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा ली। आपको संतुष्टि और काफी आनंद महसूस होगा। पर्यावरण में परिवर्तन आपको मनोरंजन का नए स्रोत प्रदान करेगा और आपके रोमांस भरे जीवन को स्पाइसी बना देगा। बड़े पैमाने पर कोई निर्णय लेने के लिए अपने साहस पर विश्वास करें। बैठकों में नए अवसर मिलेंगे और नए अनुबंधों पर भी आप साइन कर सकती हैं। कोई रिश्ता संकट में हो सकता है, लेकिन इसे नई दिशा में बदलने वाले अवसर के रूप में देखें। खुद को नए स्थान पर ले जाने और किसी खास से कनेक्ट होने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता पर विश्वास करें। जीवन के इस चरण में बुजुर्ग या आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। कठिन कार्यों का सामना करना और आगे बढ़ते रहना, यही दो चीजें हैं जो सबको करनी चाहिए। काम में सिद्धांत आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन आप अपनी नीतियों में से ऐसा कुछ खोज रहे हैं जो आपकी क्षमता से परे है। कार्य क्षेत्र पर कड़ी मेहनत न केवल आपको पहचान दिलाएगी, बल्कि आपको प्रशंसा भी मिलेगी। हो सकता है कि आप अधिक काम से परेशान हो, लेकिन धैर्य रखें। समय के साथ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लोगों से मिले जुले और खुद के लिए समय निकालें। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने में बुद्धिमान और सतर्क रहें। बात करते हैं करियर की। अपने मनोरंजन और आराम के लिए अभी ब्रेक ले। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अनुबंधों व योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करें। एक निर्णय आपको और आपके पार्टनर की जरूरतों को प्रभावित कर सकता है। जोखिम भरे व्यापार या जुए को नजरअंदाज करें, क्योंकि इससे आपको अपनी सोच से भी अधिक हानि हो सकती है। कुछ बनाए गए कनेक्शन आज समाप्त होंगे, लेकिन याद रखें कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। जितना हो सके नए परिवेश से दूर रहें। अपने नजरिए में परिवर्तन आपको अच्छी दुनिया की तरफ ले जाएगा। इस तरह से आपने अपना काम व्यवस्थित किया है उसके परिणाम स्वरूप आपको लाभ होगा। आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और कोई भी आपकी ईमानदारी पर शक नहीं करता। आज समय के दौरान आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अफसोस की बात है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद आपको अभी हानि का सामना करना पड़ सकता है। यह एक अस्थायी चरण होगा और आप इसमें शांति पाएंगे। इसके अलावा आपको शांति के उज्जवल पक्ष को देखना चाहिए। बात करती है सेहत की। आप अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के कारण निराश हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं और काम पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते। काम पर बेहतर तरीके से फोकस करने के लिए हर रोज सोने से पहले लिख लें कि आपने कौन से काम पूरे कर लिए हैं। यह भी लिखें कि आपको कल कौन से काम पूरे करने हैं। टेंशन ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे सेहत बिगड़ सकती है। आज का उपाय। आज अब शंकर भगवान जी की विधिवत पूजा करें और बेलपत्र फूल चढ़ाएं शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।